सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि यार पिछले एक हफ्ते नहीं मतलब चार पांच छह दिन सात रफली एक हफ्ता पकड़ लो मैं डेली दोपहर को उठ रहा हूँ। मतलब यार मैं डेली एक बजे के आसपास उठ रहा हूँ, डायरेक्ट जाके लंच कर रहा हूँ, फिर चार बजे जिम के लिए चला जा रहा हूँ। एंड बेसिकली बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया है मेरा इस दौरान। अब तुम पूछो कि यार ऐसा क्यों। सो मैं अपने आपको बहुत एक्सक्यूजेस दे रहा था आजकल कि यार अगर मैं रात तक जगा रहा तो मैं काम कर लूंगा, सुबह को मैं थोड़ा सा लेट उठूंगा, बट रात को काम होता नहीं था और सुबह को हम लेट एज यूजुअल उठने लगते थे। तो मुझे ये चीज अंदर कहीं ना कहीं बहुत खटक रही थी एंड आई थॉट कि नहीं, हर दिन मैं सोचता था कि यार कल से ये चेंज होगा। एंड हर दिन सुबह वो 9 बजे का अलार्म को मैं ऑफ करके वापस सोने चले आता था। सो ये जो मैंने बातें बताई एग्जैक्ट सेम चीजें मेरे साथ पिछले साल 2020 के लॉकडाउन के वक्त हुआ था, जब हम लोग जब भी सो रहे थे जब भी उठ रहे थे। तो उस वक्त मैंने एक चीज अपने आप में नोटिस की थी और मैंने वो चीज अप्लाई करी थी विच हेल्प्ड अ लॉट। सो इस बार भी मैंने वो चीज सोची थी मैं अप्लाई करूंगा, बट हर दिन मैं नहीं कर पा रहा था। वाई? सेम रीजन, मैं अपने आप को एक्सक्यूज देता जा रहा था। सो दिस वीडियो इज बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट ऑन मी कि क्या ये चीज एक्चुअली वर्क करती है एंड एक अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर भी आ जाएगा कि यार क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, कल सुबह मैंने अगर ये चीज अप्लाई नहीं करी तो मैं यार वीडियो में मतलब समझ लो ना बात को। सो यस, वो चीज क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपने अपने स्लीप को कभी मॉनिटर किया है देन यू वुड हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि आप दो बार उठते हो, एक जब आपकी आंख पहली बार खुलती है, दूसरी बार जब आप एकदम पक्के से उठते हो। पक्के से मैं जैसे आजकल आपके 12 एक बजे उठ रहा हूँ, मेरी आंख कभी कभार 8:30-9:10 बजे ऐसे के आसपास खुल जाती है, बट आई डोंट वेक अप एट दैट टाइम। क्यों? क्योंकि मैं अपने आपको बोलता हूँ कि यार अरे तू पिछली रात 4 बजे सोया 5 बजे सोया, यू नीड सम एक्स्ट्रा स्लीप, तू रिफ्रेश नहीं फील करेगा। बट पिछले साल मैंने जब ये चीज रियलाइज की द थिंग आई फेल्ट दैट कि अगर मेरी आंख जब पहली बार खुल रही है मैं तब उठ जाऊं तो आई फील मोर रिफ्रेश रादर देन वो 2-4 घंटे की एक्स्ट्रा नींद लेकर मैं 10, 11, 12, 1, 2 बजे उठूं। सो दिस इज व्हाट आई हैड रियलाइज एंड आई वांट टू ट्राई इट वंस अगेन एंड मैं इसको डॉक्यूमेंट भी करना चाहता हूं ताकि मुझे फ्यूचर में अपने लिए थोड़ा रेफरेंस मिल जाए कि यार कैसा सीन चल रहा था। सो ये एक नॉर्मल डे टाइप का ही वीडियो रहेगा एंड वी विल इंप्लीमेंट दिस फैक्टर इन इट। सो या लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। सो अभी कुछ 4:30 बजे के आसपास बज चुके हैं एंड हम लोग अभी जिम जाने वाले हैं। कल क्या हुआ था ना, कल मैंने लेग्स मारा था, तो लेग्स मारते वक्त एक अजीब सा मुझे लोअर बैक में पेन होने लगा स्क्वाट करने के बाद, पता नहीं क्यों। सो आई थॉट कि मुझे रुक जाना चाहिए बट लास्ट सेट बाकी था, सो आई वेंट अ बिट लाइट एंड 60/12 था, काफी अच्छा काफी स्मूथ लगा मुझे। एंड आज बेसिकली मेरा बैक है, सो लोअर बैक में पेन था तो मैं लोअर बैक को बिल्कुल ही नहीं करूंगा, जस्ट थोड़ा सा लैट पुल डाउन, सीटेड रोज, थोड़े से डंबल रोइंग एंड बाकी मैं आर्म स्ट्रेन कर लूंगा। सो या Let's go to the gym. So, जिम जाने से पहले एंड आपको वर्कआउट फुटेजेस दिखाने से पहले आई लाइक टू टेक अ मोमेंट हियर एंड इंट्रोड्यूस यू ऑल टू प्रेप लैडर विच इज एन अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम्स लाइक IIT JEE, नीट, UPSC या फिर कोई अलग एग्जाम होगा विच यू कैन चेक आउट लेटर। सो यू नो फॉर अ फैक्ट दैट आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मेरी एक साल में जेई मेंस निकालते वक्त अगर किसी किताब ने हेल्प कर रखी है सबसे ज्यादा तो वो थी जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना एंड प्रेप लैडर डज एग्जैक्टली दैट। एंड उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने इन सारे सवालों वो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्यूरेटेड वे में रखा है, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड एक और चीज है दैट इफ यू यूज माय कोड AKASHM आप इन सारे चीजों को फॉर फ्री अनलॉक कर सकते हो। सो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज द बेस्ट वे टू डू दैट, क्योंकि पता है क्या होता है अक्सर हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग सही रास्ते पे तो जा रहे हैं एंड अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बन रहे देन बैंग ऑन टारगेट, आपका प्रिपरेशन एकदम सही मूड पे जा रहा है। सो यू कैन चेक आउट प्रेप लैडर, वहां पे जाके आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, उनका गोल्ड स्टैंडर्ड IIT JEE के सारे क्वेश्चंस रहते हैं एंड पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि यार ऐसे ऐसे एग्जाम में सवाल आते हैं, रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट रहता है। सो यू कैन चेक आउट प्रेप लैडर फॉर दैट एंड यूज माई कोड AKASHM टू अवेल एवरीथिंग फॉर फ्री। सो अभी जिम चलते and let's continue the workout. Steady, I feel ready, but my legs heavy. I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching. Finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this. I got promises. You ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this. I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before. I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I get it, bruh. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah.
टाइम पास इन द जिम, वॉचिंग एक्सरसाइज इन द जिम। आशु बस खड़ा चाहता ब्रो, 130 किलो डेडलिफ्ट पीआर, शाबाश। चलो मिलते हैं, बाय बाय। चढ़ा गेस द सॉन्ग। द सॉन्ग सेज टियरिंग स्ट्रिंग फ्रॉम मून लैंड। बाल सटकन ने नहीं सवाल पूछे आपसे, टियरिंग स्ट्रिंग फ्रॉम मून लैंड और मून मेन रोड। धागे तोड़ ला चांदनी के मोड़ से। यस, गुड जोक, गुड जोक्स ऑलवेज विन, गुड जोक्स, गुड सब्सक्राइब। देखो हम लोग रास्ते से जा रहे थे, हम लोग को जाना था उधर, बट हटो यार, कोई जा रहा है रास्ते में। सो हम लोग रास्ते से जा रहे थे, हम लोग को बेसिकली जाना था उधर, बट इधर में आए ये दिखाने के लिए कि आप लोगों ने VNIT नागपुर वाली वीडियो में, मैं शायद फ्रेम में नहीं दिख पाऊँ, बट आप लोगों ने VNIT नागपुर वाली वीडियो में एक लोकेशन देखा था जहाँ पे हम लोगों ने एक शॉट लिया था, एरियल शॉट, ड्रोन शॉट, जो कि जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली इस लोकेशन पे लिया गया था। हाउ टू एक्सट्रैक्ट कॉन्टेंट फ्रॉम फ्रेंड्स, इन टूडेज एपिसोड वील बी लर्निंग हाउ टू एक्सट्रैक्ट कॉन्टेंट रिकॉर्डिंग तीसरी बार टेक थ्री। In today's episode, we will learn how to extract content from friends. So, friend name, please. I don't know. Friend's name is don't. Pick four. So, welcome everybody once again. Today, we will introduce you to one of my dear friends. Take five. So, in today's episode, we'll be introducing you to one of my dearest, clearest and sweetest friend, whose name is? Chitrayur. Finally, he can remember his name. मुलाकात हुई थी भैया कक्षा 11वीं 12वीं में कोचिंग में, एंड उसके बाद लॉकडाउन हुआ, बातें हुई, एंड हमको पता चला कि उसको भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है वीडियोग्राफी, फिल्म मेकिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड इन सब में। तो नेचुरली ही हेल्प मी अ लॉट विद माय वीडियोस, एंड आप लोगों ने ITJEE वाली वीडियो एंड VNIT के वीडियो में काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स देखे होंगे, तो वो उसने ही लिए थे। प्लानिंग वगैरह हम लोग सब साथ में करते अबाउट कैसे शॉर्ट्स को और बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या जुगाड़ मेथड्स हम लोग लगा सकते हैं। सो मैंने सोचा कि यार इन सब पे बहुत बातें हो सकती है, सो वी मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। तो काफी आप लोगों को भी इनसाइट मिलेगा अबाउट वीडियो वगैरह कैसे हम लोग थोड़ा सा बनाते हैं। एंड बाकी बंदा बहुत प्यारा है, पर उसमें एक दिक्कत है, भाई साहब को पानी लाने बोलो तो काफी देर लगा देता है। तो उस दिन हमने भी बोला भाई पानी पिलाएगा, बोला हाँ पिलाता हूँ, और करवाया बहुत इंतजार। भाई दुख इस बात का नहीं है पानी गिर गया, भाई खुशी इस बात की रिकॉर्ड हो गया। एवरीथिंग इज कंटेंट ब्रो। सो 3:13 एंड बहुत नींद आ रही है, अभी सोने जाना है। बेसिकली थोड़ा सा काम आ गया था, टीचर्स डे आ रहा है हमारा 5 सितंबर को, टुडे 2 सितंबर। सो हम लोग को वहाँ पे थोड़े से काम करने थे, एक वीडियो बनानी थी उनके लिए, एंड 2-4 और सबमिशंस थे, तो वो कर लिया मैंने कंप्लीट, एंड अभी सोने जाएंगे। बेसिकली मैं क्या करूंगा, कल सुबह 9 बजे का अलार्म दूंगा, बिकॉज आई थिंक 6-6.5 घंटे का स्लीप एनफ रहेगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैं 10-12 घंटे सो रहा हूँ आजकल। एंड यस, एक दो अलार्म देंगे 9 बजे 10 बजे का, एंड सुबह जब पहली बार आँख खुलेगी मैं उठ जाऊंगा, एंड आई विल अपडेट यू तब क्या होता है, एंड फाइनली एक पूरे दिन का, उसके बाद मैं एंड में कंक्लूजन दूंगा कि मेरा दिन का कैसा ओवरऑल फीलिंग रहा एंड हाउ दिस एक्सपेरिमेंट वर्क। सो यस, गो टू स्लीप, गुड नाइट, ए पीसफुल स्लीप लेटर। ओके, सो 9 बजे का अलार्म मिस हो गया, 10 बजे का अलार्म बजा, 10 बजे उठा, आधा घंटा थोड़ा सा और सो गया, एंड अभी करेंटली आपके 10:39 के आसपास बज चुका है। बट आई एम ग्लैड कि 11 बजे नहीं बजे, क्योंकि लाइक 1 बजे उठ रहा था वहां से, 10:30 बजे उठना क्वाइट अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट। सो हाँ, गलती हो गई थी, थोड़ा एक्स्ट्रा सो लिया था, बट या अभी उठा तो नहीं हूँ, मतलब उठ गया, जाके मुंह धोऊंगा, सो आई विल फील फ्रेश।
बाकी तो अपडेट कर दूंगा भाई पूरा दिन कैसा फील हो रहा है। ऑल्सो आज वर्ल्ड कोकोनट डे, तो हैप्पी वर्ल्ड कोकोनट डे। सो हाफ ऑफ द डे इज डन, अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा सा नीचे खेलने, उसके बाद विल गो टू द जिम। काफी क्लाउडी वेदर हो रखा है भाई, दबे मुझे ऐसे वेदर्स पसंद है जब आपके मतलब बारिश भी नहीं होता बट हवा भी आ रही होती है, तो खेलने आते तो पसीना भी नहीं आता उतना, तो काफी बढ़िया लगता है। एनीवेज अभी हम लोग खेलने जाएंगे फिर जिम जाएंगे, तो सुबह उठ के फायदा हो रहा है बॉस, दिन का एक काफी एक्स्ट्रा पार्ट मेरे को मिल गया। लाइक पहले मैं वीडियो बनाता था ना रात हो जाता था, आज मैंने सुबह इस वीडियो को ऑलमोस्ट मतलब हाफ बना दिया। आई एम प्लानिंग टू रिलीज ऑन फ्राइडे या फिर आज रात को अगर हो जाए, बट आज लेट नाइट हो जाएगा 10 बज जाएंगे, तो कल सुबह ये फ्राइडे मॉर्निंग को अपलोड कर देंगे। फ्राइडे मॉर्निंग मतलब 3rd September, तो 3rd September को आप लोग देख पाओगे। बट यस, सुबह उठने के फायदे हो रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है ना, सुबह उठोगे तो दिन के कुछ एक्स्ट्रा घंटे मिलेंगे और उन घंटों को आप यूटिलाइज कर पाओगे जो इतने दिन से आप वेस्ट कर रहे। तो पता नहीं आकाश क्या बोल रहा था कल को, लेकिन आज आकाश को रियलाइज हुआ कि दैट ही डजंट नीड 10 and 12 आवर्स ऑफ स्लीपिंग, उसके 7-8 घंटे में बढ़िया नींद कंप्लीट हो जाती है। एंड जब मैं 1 बजे उठ रहा था इतने दिनों से, तो मैं 10:30 बजे उठा, कल मैं ट्राई करूंगा थोड़ा और जल्दी 9:30 बजे के आसपास। वैसे अभी काफी वक्त हो चुका है 2:15, बट कोई नहीं, सोने चल जाएंगे इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। सो आपको दिन बताता हूं मेरा कैसा गया, मतलब एनर्जी लेवल कैसा रहा। तो सुबह मैं उठा, अब सुबह उठ के ना मेरी एक हैबिट रह गई है थोड़ी सी गंदी, जो कि मैं इंस्टाग्राम खोल लेता हूं, तो इंस्टाग्राम में मेरे ना गाने आते रहते हैं, ठीक है, सर्च बार में, तो मैं काफी ज्यादा गाने सुनता हूं एंड गाता हूं, पता तो है आपको, तो गाने आ रहे थे, तो इमरान हाशमी के पुराने वाले गाने आए थे, ठीक है, आतिफ असलम वाले, तो सुन के ना मेरे को फुल एनर्जी आ गया, तो मैं वाइब कर लेने का गानों के साथ एंड मेरा सुबह का फुल एनर्जी वाला मूड बन गया। फिर एग्जाम हुआ, एग्जाम दिया, फिर मैं खेलने गया, फिर मैं जिम भी गया, जिम में भी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा वर्कआउट रहा, एनर्जी भी काफी अच्छा था। उसके बाद घर लौटा, वर्कड ऑन द वीडियो एंड ओवरऑल दिन का एनर्जी काफी हाई था, काफी मजा आया। इसका मतलब कि आकाश 7-8 घंटे की नींद में अपन लोग मस्त मजे कर सकते हैं। सो मेरे इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि यार अगर आप भी अपने साथ ऐसी चीटिंग करो, यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, बहुत लेजी हो रहे हो, थोड़ा ज्यादा सो रहे हो और यू आर नॉट गिविंग इन योर बेस्ट, देन जस्ट गो आउट देयर एंड डू इट। क्योंकि एक हफ्ते पहले आई वॉज नॉट गिविंग इन माई बेस्ट, मैं अपने आप से बहुत लेजी था एंड आई वॉज नॉट इवन क्लोज टू 1% ऑफ द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, एंड आई थॉट कि नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई नीड टू चेंज थिंग्स, एंड इफ आई पुट इट आउट ऑन द इंटरनेट एंड इवन 1% गेट्स इंस्पायर्ड बाय दिस, सो नथिंग बेटर देन दैट। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया एंड एक और छोटा सा सरप्राइज है आपके लिए, ठीक है। आप लोगों को IIT JEE वाली वीडियो बहुत पसंद आई थी, सो वी आर प्लानिंग ऑन अनदर वीडियो समथिंग लाइक दैट, टॉपिक मैं आपको एक्जैक्टली नहीं बता सकता, वी आर वर्किंग ऑन दैट, अगले वीक तक वो आ जानी चाहिए। एंड यस, चित्रयोद मेरे को हेल्प कर रहे हैं उसके साथ ऑफकोर्स, एंड गेस व्हाट, एक और छोटा सा सरप्राइज है कि उसका पूरा BTS वर्जन भी आपको मिलेगा एंड यू विल गेट एन इनसाइट टू हम लोग वीडियोस कैसे शूट करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, थोड़ा बहुत लाइक क्या क्या मस्ती मजाक करते हैं, तो वो सब भी आपको देखने को मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाकी तो बढ़िया है भाई, अपना कंटिन्यू करते रहना, जो कर रहे हो गिव इन योर बेस्ट एवरी डे, मेक द मोस्ट आउट ऑफ एवरी डे, एंड यस भाई चलते हैं फिर, हंसते रहो, सायोनारा।